ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं सीएम केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को चुनौती दी है। कल दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन दिए जा चुके हैं, और जल बोर्ड के मामले में एक समन जारी किया गया ईडी की तरफ से, उसमें वो नहीं पहुंचे। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल के को 9 समन और उनके 18 बहाने, टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब इस बीच समन को जो केयर कानूनी बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। समन को लेकर केडी के समन पर जो सवाल खड़े किए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में, उसमें कितनी सत्यता है, क्या आधार है जो केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं ईडी की कार्रवाई पर, ईडी के समन को लेकर। तो ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को चुनौती दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, जिससे कि वो चुनाव प्रचार ना कर सके। तो कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि अब तक 9 समन जो भेजे गए हैं उसको चुनौती हाईकोर्ट में दी है, तो क्या हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलेगी? इससे पहले भी समन की जो लीगल ग्राउंड है उसको लेकर कई बार केजरीवाल सवाल खड़े कर चुके हैं। केजरीवाल कह चुके हैं कि जो समन ईडी के द्वारा भेजे जा रहे हैं गैर कानूनी है, इनका कोई आधार नहीं है।